सो हे एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग मीवी की तरफ से आने वाले लेटेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की, जिनका नाम है डुओपॉड्स ENC F70। तो ये जो ईयरबड्स हैं आपको लगभग 1300 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। इनका बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में आज इनका एक गिव अवे भी होने वाला, सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ इस तरह का बॉक्स हमें यहाँ पर इनका देखने को मिल जाता है, ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स यहाँ पे लिखा हुआ है। बैक साइड में इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो IPX4 का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है एंड ENC माइक्रोफोन इसमें प्रेजेंट है बेटर कॉलिंग के लिए, उसका भी मैं आपको एक रिव्यू दे दूंगा। सो इसको मैं फटाफट से एक बार ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मीवी का एक वारंटी रजिस्ट्रेशन वाला कार्ड देखने को मिल जाता है। आफ्टर दैट वी हैव इट्स यूजर मैनुअल, जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो। एंड फाइनली वी हैव द प्रोडक्ट, जो कि है मीवी डुओपॉड्स F70। तो इस तरह का बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मैंने इसको ग्रे कलर में ऑर्डर किया है एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, ये जो काफ़ी शाइनी मटेरियल का यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर जो ग्लॉसी फिनिश है वो आपको देखने को मिलती है, यानी कि स्क्रैच वगैरह यहाँ पर पड़ सकते हैं। इसकी अगर मैं लीड की बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीड यहाँ पर प्रोवाइडेड है, मतलब यहाँ से कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से हल्के प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे यहाँ पर। तो इसको एक बार मैं साइड में रखता हूँ, देखते हैं हमें बॉक्स में और क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसके साथ ही बॉक्स में हमें इसकी एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से टाइप सी चार्जिंग केबल इसमें प्रोवाइडेड है। एंड एट दी एंड वी हैव सम ऑफ इट्स ईयर टिप्स, जो कि आप अपने कानों के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इन सबको साइड में रखते हैं और देख लेते हैं हमारे मेन मीवी डुओपॉड्स F70 को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इनकी बिल्ड क्वालिटी और लुक की बात करूँ तो लुक में तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनका कलर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में सबसे पहले केस की बात की जाए तो केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे आपको नीचे टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर 4 LED इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं बैटरी के लिए। जैसे मैं इन्हें यहाँ पर ओपन करता हूँ देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ये जो 2 ईयरबड्स हैं देखने को मिलते हैं। इन्हें एक बार के लिए मैं बाहर निकाल लेता हूँ। केस की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको ये केस देखने को मिलता है, अंदर से पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, काफ़ी ग्लॉसी फिनिश यहाँ पर दी हुई है। सो केस की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे यहाँ पर। केस को साइड में रखते हैं और देखते हैं हम हमारे मेन ईयरबड्स को। तो मैं अगर इनके बिल्ड की बात करूँ तो आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अलग से टेक्सचर का यूज़ किया गया है। यहाँ तक तो हाफ आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मेटल बिल्ट है एंड यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि प्लास्टिक बिल्ट है, बट ये जो पूरा मटेरियल है ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है। बट इनका डिज़ाइन मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लगा पिछले वाले ईयरबड्स के कंपैरिजन में। माइक्रोफोन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक माइक्रोफोन इधर प्रेजेंट है एंड बाकी के जो माइक्रोफोन्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि 2 माइक्रोफोन्स आपको एक ईयरबड के अंदर देखने को मिलते हैं एंड सिमिलरली इसमें भी आपको 2 माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं। तो आपका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला, मतलब कोई डिस्टॉर्शन लैग वगैरह कोई इशू नहीं होने वाला है। ये मैंने पर्सनली टेस्ट किया हुआ है एंड इसकी जो कॉल क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे। एटलीस्ट इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी एक डिसेंट सी कॉल क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इन्हें अपने स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हो एंड इसके जितने भी टच रिलेटेड फंक्शंस हैं वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने स्मार्टफोन का जो ब्लूटूथ है उसे टर्न ऑन कर लेना है। जैसे आप उसे टर्न ऑन करोगे नीचे आपको यहाँ पर अवेलेबल डिवाइसेस में जाना है। अवेलेबल डिवाइसेस के अंदर आपको जो अपना मीवी डुओपॉड्स F70 है वो देखने को मिल जाएगा एंड उसके बाद एक पेयरिंग रिक्वेस्ट आपको देखने को मिलेगी, उसे आपको क्लिक कर देना है। सो अगर हम इसमें कोडेक की बात करें तो आपको AAC और SBC दोनों कोडेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको दोनों जो हाई क्वालिटी ऑडियो का सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इनके जो टच कैपेसिटी बटन है उन्हें यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पर Spotify की जो एप्लीकेशन है उसे खोल रखा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मीवी डुओपॉड्स F70 जो है वो कनेक्टेड है। तो जैसे मैं इसे यहाँ पर टैप करता हूँ तो जो सॉन्ग है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। कुछ इसी तरह से अगर मैं इसे दोबारा टैप करता हूँ तो सॉन्ग जो है पॉज हो जाएगा। स्किप टू द नेक्स्ट सॉन्ग, उसके लिए आपको 2 बार ऐसे टैप करना होगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। 2 बार ऐसे टैप करने पर जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा एंड सिमिलरली अगर आपको पिछले सॉन्ग पे जाना है तो आपके जो लेफ्ट वाला ईयरबड है इस पर आप 2 बार टैप करोगे तो पिछला सॉन्ग जो है वो शुरू हो जाएगा। एंड सरप्राइजिंगली इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। राइट वाले ईयरबड पर अगर आप प्रेस करके ऐसे रखते हो तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी एंड सिमिलरली वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए लेफ्ट वाले ईयरबड पर ऐसे टैप करके मुझे रखना होगा, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगी। ये वॉल्यूम कंट्रोल एक मच नीडेड फीचर है जो कि सभी ईयरबड्स में होना चाहिए बट काफ़ी कम ईयरबड्स जो है वो इसे प्रोवाइड करते हैं। गूगल असिस्टेंट या सीरी का यूज़ करने के लिए आपको 3 बार जो है टैप करना है किसी भी ईयरबड पर। तो आप देख सकते हो जिस तरह से जो गूगल असिस्टेंट है वो शुरू हो चुका है। तो काफ़ी इजीली जो इसके फंक्शन वो वर्क करते हैं। तो बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप और साउंड क्वालिटी के बारे में। तो बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर लगभग 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है नॉर्मल यूसेज पे। एंड अगर आप इसे हैवी यूसेज करते हो, लाइक अगर ज़्यादा वॉल्यूम पे आप इसे प्ले करते हो काफ़ी लंबे टाइम तक, तो हो सकता है इसका जो बैटरी बैकअप है आपको 4 से 5 घंटे तक का मिल जाए, जो कि काफ़ी डिसेंट बैटरी बैकअप है इस प्राइस रेंज के अंदर। एंड अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो बेस की अगर बात करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। मीवी के जितने पुराने ईयरबड्स हैं उनमें बेस इतना कुछ खास नहीं होता था, बट इन वाले ईयरबड्स के अंदर बेस मुझे थोड़ा बहुत सही लगा उनके कंपैरिजन में। काफ़ी एक डिसेंट सा बेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ट्रेबल्स और मिड्स की
बात करें तो काफी ज्यादा अच्छे से वो एडजस्टेड है, तो एक वेल बैलेंस साउंड क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। सो फाइनली इन ईयरबड्स की कंक्लूजन की बात की जाए तो अगर आपको ईयरबड्स 1000 रुपए के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो आप इन्हें डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। काफी एक बजट ओरिएंटेड ईयरबड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो इनका बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हो। तो अगर आपको इसके गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।